भारत में बढ़ती कोरोना महामारी के खिलाफ प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को आगामी 25 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर शशांक मिश्र ने आम जनता से घर में रहने की अपील की है। गौरतलब है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 420 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित बताए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं जिले के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जनता कर्फ्यू के इस आह्वान में बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। मैं सभी से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमको ज़रूरत है कि कम से कम 3 दिन तक हम और इस परिस्थिति को, जो सोशल कॉन्टैक्टिंग है, हमको बचाना है। उसके लिए हमने 25 मार्च रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया इस दौरान ना घर से बाहर निकलें जब तक कि एकदम अति आवश्यक ना हो, जैसे कि ग्रॉसरी आइटम, रोज़मर्रा की ज़रूरत के आइटम हो, दवा गोली लेना हो, तब तक कि आप घर से बाहर ना निकलें और ज़िले से बाहर ना निकलें। ज़िले की सीमाएं हम लोगों ने अभी प्रतिबंधित की है। साथ ही मेरा ये भी अनुरोध है कि आपके कोई जानकार अगर बाहर से आने वाला हो, कृपया उनसे अनुरोध कर लीजिए कि अभी फ़िलहाल ना आए और जो जहाँ पर है वो वहीं बना रहे। मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि हम लोग कुछ अति आवश्यक सेवाएं हैं उनको चालू रखेंगे, जिससे कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना वायरस के विरुद्ध, पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है, इस देश में लड़ी जा रही है। इसमें आपका सहयोग वांछनीय है। जब तक आपका सहयोग हमको प्राप्त नहीं होगा, हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। आज इसकी एक तरह से शुरुआत हमने की है, जिसमें आप सबका व्यापक सहयोग मिला है हमको। पुनः मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें उन निर्देशों का पालन करें और हमको सहयोग करें कि हम इस लड़ाई में सफल हों। धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।